नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं कुछ बातें करने के लिए आप सभी के बीच में आई हूँ कि मैं फेसबुक पे रील्स या वीडियो क्यों बना रही हूँ, कारण क्या है। मैं अचानक अपने काम से एकदम हट के काम क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, राजनीतिक पार्टियों में भी मैं काम कर चुकी हूँ और आगे भी करती आ रही हूँ और करूँगी। फिर मैं अपने जो मेरा क्या है कि जो मेरी पर्सनालिटी है उससे बिल्कुल अलग होके और मैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे कॉमेडी और ये सब म्यूजिक वगैरह पे रील्स बनाना, ये सब करना और वीडियो बनाना, ब्लॉग बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया। अचानक मेरे अंदर परिवर्तन क्यों नहीं आया, क्यों आ गया, तो उसका क्यों आया वो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। बेरोजगारी, आज के टाइम पे बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि पढ़े लिखे कितने भी पढ़े लिखे हैं सब गांव में हैं तो भैंस गाय के गोबर ही उठा रहे हैं और जो अनपढ़ गवार हैं वो तो उठा ही रहे हैं। इस समय की परिस्थिति हमारे उत्तर प्रदेश की तो ऐसी ही है और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। और यूट्यूब और फेसबुक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर इस पे काम कर लिया और कामयाब जो हो गया उसकी आने वाली सात पुश्तें घर खानदान फैमिली और रिश्तेदार नातेदार सबका भला हो जाएगा। यही सब सोच के मैं फेसबुक पे काम करने आई कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मैं क्यों छोड़ूं। पूरी दुनिया कमा रही है, लूट रही है, तो फिर मैं क्यों पीछे रह जाऊं। मेरे अंदर जो टैलेंट है मैं वो अपना टैलेंट लेके आऊं। छुपा हुआ टैलेंट मेरा कॉमेडियन का था जिसे आज तक पब्लिक ने नहीं देखा था, तो मैं वही लेके आई हूँ। क्योंकि मैं बहुत ही रियल लाइफ में कॉमेडियन हूँ, मैं लोगों की खिंचाई भी बहुत करती हूँ, मजाक भी बहुत उड़ाती हूँ, मेरी आदत रही है बचपन से ही। मैं बहुत लोगों का मजाक उड़ा लेती थी, कॉमेडी कर लेती थी, तो मेरा चुलबुल स्वभाव हमेशा से ही रहा है। तो मैंने अपने इस रूप को जो दबा रखा था तो मैंने सोचा कि मैं अपना जो मेरे अंदर की जो प्रतिभा है कॉमेडी करने की, लोगों की खिंचाई करने की, लोगों के ऊपर कमेंट पास करने की, वो क्या बोलते हैं टोन मारने की, तो मैं उसी पे काम करूं। अगर किस्मत रही मेहरबान तो कामयाब हो गई तो मेरा तो भला होगा ही, मेरे पीछे मेरे बच्चों का भी भला हो जाएगा। सब अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, मैं भी अपने बच्चों के लिए सोचती हूँ। और बाकी का तो मैं जो सोशल वर्क करती हूँ वो तो मेरा हमेशा रहेगा, मैं करती रहूँगी। हमारा एनजीओ है, मैं बहुत सारे संगठनों में जुड़ी हुई हूँ और वहाँ पे मैं काम करती हूँ और करती ही रहूँगी, हमेशा करती रहूँगी। लेकिन मैं जो काम कर रही हूँ, जो बहनों को नहीं पता है कि प्रीतिराज ये कहाँ क्या कर रही थी, कहाँ से कहाँ चली गई, पलट गई, तो वो बहनों को बता दूँ जो बेरोजगार बहनें हैं। मुझे तो इतनी ज़रूरत नहीं है, पर क्या मैं आने वाली मेरे बच्चों के लिए ये प्लेटफॉर्म बना रही हूँ, अपने लिए नहीं। मेरी तो ख़त्म हो गई, आधी जिंदगी तो ख़त्म हो गई लोगों की सेवा करने में, पर आधी जिंदगी बची है तो मेरे पास तो कोई सरकारी सर्विस तो है नहीं कि मुझे बहुत सारा रिटायर होऊंगी, बहुत सारा पैसा आएगा और मेरे बच्चों को मैं करके जाऊंगी। तो मैं अपने बच्चों के लिए कोई प्लेटफॉर्म, वैसे तो मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म बना रखे हैं, पर क्या है कि ये जरूरी है। फेसबुक और यूट्यूब से ज्यादा पैसा कहीं पे नहीं है। बड़े बड़े नेता, अभिनेता, संतरी मंत्री, यहाँ तक के हमारे प्रधानमंत्री जी भी यूट्यूब पे आ चुके हैं और लोगों से
रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि उन्हें फॉलो करें, तो क्यों? प्रधानमंत्री जी को मैं ऐसा नहीं बोल रही हूं कि वो पैसों के लिए आए हैं, ख्याति बढ़ती है हाँ, यूट्यूब पे आने से या फेसबुक पे काम करने से ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा मिलता है। सरकार भी बदल जाती है, सोशल मीडिया का कमाल है ये। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि लोगों को लोग हमें जानेंगे, यहाँ पे काम करने से हमें लोग जानेंगे, हमारी प्रतिभा को पहचानेंगे, लोग हमें सपोर्ट करेंगे। अगर मुझे नेतागिरी करना पसंद है, मैं नेतागिरी करती हूँ, तो अगर यहाँ से अगर मैं कामयाब हो गई तो मैं उस लाइन में भी कामयाब हो जाऊंगी। पब्लिक ने मुझे सपोर्ट यहाँ पे कर दिया तो वहां पे भी नेताओं को भी तो पब्लिक का सपोर्ट चाहिए होता है, सोशल मीडिया में भी पब्लिक का सपोर्ट होता है। तो या मैं नेतागिरी करूं या सोशल वर्कर का काम करूं या फेसबुक पे काम करूं, तीनों में मुझे वेनी फुट फिट है। मुझे नेता बनना होगा उसके लिए भी मुझे फेसबुक यूट्यूब की जरूरत पड़ेगी, प्रचार प्रसार करने के लिए तो पहले से ही मैं अपने पब्लिक से कनेक्ट हो जाऊं ना। और वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो लोग, कुछ लोग टिप्पणियां कर रहे हैं कि प्रीति राज ये क्या कर रही है, ये प्रीति राज तो नाच रही है, प्रीति राज तो कॉमेडी कर रही है, पता नहीं क्या क्या कर रही है। जो भी कर रही हूं सामाजिक स्तर से अच्छा कर रही हूं मैं। मेरे वीडियो कभी भी गलत नहीं आएंगे, मेरे वीडियो कम, मुझे पता है मुझे भी वीडियो वायरल करना हो तो मैं भी फटाक से वायरल कर सकती हूँ दूसरी औरतों के जैसे हा? पर नहीं, मैं रूल्स से काम कर रही हूँ, मर्यादा में रह के काम कर रही हूँ। और इतना काम करने से अगर मेरे वीडियो वायरल होते हैं, पब्लिक मुझे सपोर्ट करती है तो ठीक है, और नहीं तो मैं तो लगी रहूंगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। देखिए कि शिद्दत से अगर किसी चीज, क्या बोलते हैं वो उसका डायलॉग है ना अपने शाहरुख खान भाई का, शिद्दत से अगर हम किसी चीज को चाहें तो सारी कायनात मिल जाती है उससे मिलाने को। तो भाई मैं पूरी शिद्दत से मैं 6 से 8 घंटे काम करती हूँ यूट्यूब के लिए और फेसबुक के लिए, रील्स बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, जो कि मुझे कुछ आता नहीं है। मेरा स्टूडियो नहीं है, स्टूडियो नहीं है भाई, कहाँ से होगा? अभी तो मैं शुरुआत थी, क्रिएटर बन रही हूँ, तो वही हाल कि अभी पैसा आया नहीं, मैं स्टूडियो बना के बैठ जाऊं, धत तेरी के नहीं, ऐसी गलती कोई मत करना हाँ। जब तक कामयाब ना हो तब तक पैसे वैसे खर्चने का काम कोई मत करना। तो मैं कंटिन्यू काम करती हूँ, मैं इतनी आलसी, मैं काम वगैरह ज्यादा नहीं करती हूँ, लेकिन यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने के लिए, फेसबुक के लिए वीडियो बनाने के लिए मैं दिन में मैंने सोना बंद कर दिया है। मैं 6 से 8 घंटे तक काम करती हूँ, लेकिन फिर भी अभी यूट्यूब पे तो मेरा ज्यादा नहीं चल रहा है। अब भाई अब लगेगा, टाइम लगेगा किसी चीज को, इतनी जल्दी तो हो नहीं पाएगा। और फेसबुक पे भी वैसा ही चल रहा है, पर आज नहीं तो कल पब्लिक मुझे सपोर्ट करेगी और मैं कामयाब होंगी। लोग कितने सारे यूट्यूबर जो बड़े बड़े क्रिएटर बने हैं, 3-3, 4-4 साल वो लोग काम किए तब कहीं जाके आज वो बड़े बड़े क्रिएटर बने हैं। तो मैं तो अभी 6 महीने से मैंने काम करना शुरू किया है, तो इतनी जल्दी थोड़ी ना कामयाब हो जाऊंगी। आप सभी मुझे सपोर्ट कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, और मेरी प्रीति राज माऊ बिल्ला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रीति शर्मा प्रोफाइल पेज है, प्रोफाइल को मैंने डैशबोर्ड में बदला है, तो वो मेरा प्रोफाइल पेज है, तो अब वहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो सकती है। तो आप सभी मुझे फॉलो कर लीजिए, प्रीति राज नहीं, प्रीति शर्मा, मेरे दो दो तीन तीन पता नहीं कितने नाम हैं, प्रीति शर्मा
प्रोफाइल पेज है मेरा, वहाँ पे अब आप लोग फॉलो कर लीजिए और ढेर सारा अपना प्यार दीजिए। मैं अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेके आती रहूँगी, हर तरह के जानकारी लेके आती रहूँगी। और वीडियो मैं देख रही हूँ कि ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो आप लोग देखोगे नहीं, बोर हो जाओगे। तो आगे की बात कल के वीडियो में। बाय बाय।